हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और जैसा कि आप लोगों को बताऊं कि हम लोग कल बुआ के घर गए थे और बुआ ठीक हैं और उनका 7 डेज़ में जो प्लास्टर है वो हट जाएगा। तो अब करते हैं आज के दिन की शुरुआत। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है और हवा भी चल रही है, बट गर्मी तो अभी भी है। गर्मी में कोई बदलाव नहीं है। अब चाय हो रहा है टाइम का, तो चलिए अब चाय बना लेते हैं चल के। गुड मॉर्निंग भैया। अले अले अले, अरे नहीं, किचन में नहीं आना। चलो 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 चलो, गुड बॉय। ये कुछ 3 ब्रेड रखी हैं तो रहे हैं, इसका कुछ बना लेते हैं। कचूमड़ फचूमड़ मतलब, तो देखते हैं इसका क्या बनता है मत से। तो हमने इस पे चीज़ ब्लेंड लगा दिया है, इसको बोलते हैं इटालियन स्टाइल चीज़ ड्रेसिंग। तो अब इसके बाद हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। उधर चाय बोल हो रही है जब तक हम ये बना लेते हैं। बेबी आओ, क्या हुआ भैया? डुडू की कुछ तबीयत ठीक नहीं हो रही है। क्या हो डुडू? डुडू राजा बाबू। पास्ता की पिज्जा वंश को पिज्ज़ा खाने का मन है, और मेरा मन है कि मैं व्हाइट सॉस पास्ता बनाऊं, बट व्हाइट सॉस पास्ता फिर बाद में बना लेंगे, तो वंश के लिए पहले पिज़्ज़ा बना लेते हैं। तो पहले मैं ये सैंडविच तैयार कर लूं, देन उसके बाद पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो सैंडविच बनने में थोड़ी सी देर है, तो जब तक चाय बन चुकी है पहले चाय दे देते हैं। हमारा जो सैंडविच है वो तैयार हो रहा है, तो तब तक हम पिज़्ज़ा की तैयारी कर लेते हैं जब तक सैंडविच बन। सैंडविच तो बन नहीं पाया क्योंकि लाइट चली गई है। तो अब मेरे दिमाग में कुछ और आया है कि मैं मैगी के पकोड़े बनाऊं। तो अब पता नहीं मैगी के पकोड़े बन पाएंगे कि नहीं। इसको बॉइल्ड होने रख दिया है अभी, तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैंने इसका मसाला जो है वो तैयार कर लिया है और पूरी किचन भी फैला रखी है अच्छी तरीके से, और इसको फैन के नीचे सूखने को रख दिया है मैंने। जब तक वो सूख रहा है जब तक थोड़ा मैगी मसाला चाट लेते हैं। माल पानी कुछ इस तरीके का तैयार हो गया है, और इधर मैंने कढ़ाई भी रख दी है गरम होने। तो अब बनाते हैं, बनता है कि नहीं मुझसे ये देखते हैं पहले। तो डालूं जय माता दी कह के? एक फ्राई करके देखा है, तो पहले मम्मी को टेस्ट करा देते हैं कि कैसा बना है। तब खा के बताइए कि कैसा है। मम्मी ने खा के पास कर दिया है, तो अब हम आगे के जितने भी मामला तो वो बना देते हैं। फाइनली इतनी मन्नतों के बाद मतलब अब कढ़ाई में पड़ चुके हैं और बन रहे हैं। जाओ भाइयों और बहनों, ये तैयार हो चुके हैं। जो इसका नाम है मैगी के, मम्मी मैगी के पकोड़े तैयार हो गए भाई, तैयार हो गए मैगी के पकोड़े।
अब भाई पकौड़ी तो बन गई है, बट अब पहले नहा लेते हैं, उसके बाद भाई पिज्ज़ा बनाएंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि पूछो मत ही। बिल्कुल नहा धो लिए हैं तो अब पिज़्ज़ा बनाते हैं वंश को, क्योंकि भूख लग रही है। पहले पिज़्ज़ा बना लेते हैं। अर्नव के लिए बन रहा है तो मैंने ए लिख दिया इस पर। ये पिज़्ज़ा पे डाल देते हैं मोज़रेला, जिससे थोड़ा चीज़ी चीज़ी टेस्ट आता है। तो पिज़्ज़ा जो है मैंने बस बेक्ड करना बाकी है अब। ये मम्मी डैडी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो मम्मी का नाम है क्रांता और डैडी का नाम है एस से सुनील, तो ये मैंने के एस लिख दिया है। मतलब कुछ भी वही करा है मैंने। ये पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। चलो भाई अब सोते हैं, बहुत खाना पीना हो गया और काफ़ी टाइम भी हो गया, 11:30 बज गया है। खाना खा पी के वॉक वॉक सब कर लिया, अब लेटने जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।